नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बताएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें। मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो एक ग्रेट पोर्टफोलियो, एक ऐसा बेहतरीन पोर्टफोलियो जिसमें हर तरह का स्टॉक्स हो, मतलब आपका डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी हो, आपका एक अच्छे स्टॉक्स हो जो कि आगे जाकर के आपको एक अच्छा ग्रोथ दे और बोनस शेयर भी दे। तो मतलब हर तरह का होना चाहिए, डिविडेंड भी पे करनी चाहिए, ग्रोथ भी हो उसमें, उसके बिजनेस में भी ग्रोथ हो, बिजनेस का मोनोपोली भी हो और साथ ही साथ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हो, बोनस पे करने वाला स्टॉक्स हो। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली जानेंगे कि थ्योरेटिकली कि आपका पोर्टफोलियो किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार आपको पोर्टफोलियो सजाना है। फिर हम आपको स्टॉक्स का एग्जांपल देंगे कि किस सेक्टर से कौन तरह के स्टॉक्स, किस स्टॉक्स को आपको चुनना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज को देखिए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर आपको सक्सेस प्लेस सर्च करना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर मेकिंग ए ग्रेट पोर्टफोलियो, एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें, उसके लिए क्या टिप्स है, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव, आपका जो थिंकिंग है वो अलग भी हो सकता है। तो हमारा एक प्रयास है जो बिगनर्स है उनको बताने का। अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत पहले से हैं तो वीडियो को पूरा देख भी सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो कुछ अगर हमारी तरफ से सीखने मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो बहुत सारे बिगनर्स हैं हमारे चैनल पर आते हैं वो कमेंट करते हैं, सर हमें एक पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए बताइए कैसे एक पोर्टफोलियो तैयार करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टिप्स है कि डोंट ट्राई टू मेक प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म बाय डूइंग ट्रेडिंग और इंट्राडे व्हेन यू आर न्यू। ये न्यू आदमी के लिए है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको इंट्राडे नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको इंट्राडे और ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको फोकस करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर, कि आपको कैसे एक अच्छे स्टॉक्स पिक करने हैं जिसमें आगे ग्रोथ हो, जो आपको डिविडेंड भी पे करती हो और आगे चल करके आपको बोनस शेयर भी पे करे। तो वैसे स्टॉक्स को आपको ढूंढने चाहिए जिसका बिजनेस में मोनोपोली हो या वैसे प्रोडक्ट उनके हो जो कि मार्केट में डिमांड में रहने वाले हैं और वो प्रोडक्ट कंपनी को प्रॉफिट मेक करके देती है, तो वैसे कंपनी को चुनना है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसकी बाजार में मोनोपोली क्रिएट है। जैसे आप एचयूएल का एग्जांपल लेंगे, एचयूएल का जो डव साबुन है, लक्स है, आप बहुत सारे उसके प्रोडक्ट देखें, सर्फ एक्सेल है, तो सर्फ एक्सेल आप जो यूज करते हैं देखें उसके कॉम्पिटिशन में कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स ही आपको चुनना है। फेयर एंड लवली है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और हर दिन मार्केट में डिमांड बना रहता, जिसको टक्कर देना, दे पाना किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के लिए अभी बस की बात नहीं है। अब जैसे जियो है तो उसको अभी जो एयरटेल है वो टक्कर नहीं दे पा रहा है पूरी तरह से, मतलब अगर है भी तो उतना कॉम्पिटिशन में नहीं है। अब वोडाफोन पूरी तरह से कॉम्पिटिशन में नहीं है, तो समझ सकते हैं जो जियो का शेयर है, मतलब जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो काफ़ी बेहतरीन शेयर है। तो आपको ऐसे मोनोपोली बिजनेस वाले, मतलब जिसका बिजनेस जो है डिमांड में रहने वाला, अभी जियो 10 सालों तक मार्केट में डिमांड बना रहेगा, तो ऐसे ही शेयर चुनना है। तो सबसे पहले इंट्राडे से दूर रहना है, ट्रेडिंग करने से आपको, नया है तो दूर रहना है। जैसे जैसे आप मार्केट को सीख जाएंगे तो आप ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा, बट जो ट्रेडिंग है, जो इंट्राडे है, उसके लिए बहुत सारे डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता है। आप जो बहुत सारे डिसिप्लिन का पालन करते हैं तब जा करके आप कुछ प्रॉफिट यहाँ से इंट्राडे में कर सकते हैं, ह्यूज प्रॉफिट भी मेक कर सकते हैं जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, लेकिन शुरुआत में आपको इंट्राडे से और ट्रेडिंग से दूर रहना है। दूसरा टिप्स है, नेवर बाय स्टॉक्स ऑफ दोज कंपनीज हुज बिजनेस यू डजंट नो। तो ये तो हमने पहले भी बताया, वैसे कंपनी का आपको शेयर बाय करना है, वैसे कंपनी चुनना है उसके स्टॉक्स को बाय करने के लिए जिसके बिजनेस को आप जानते हैं, मतलब जिसका बिजनेस आगे 10 साल तक मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसका, उसको प्रॉफिट बना करके देती है। तो जैसे हमने एचयूएल के बहुत सारे प्रोडक्ट एग्जाम्पल दिए, रिलायंस के जियो का एग्जाम्पल दिए, रिलायंस रिटेल है, रिलायंस का फिर वहाँ पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, तो रिलायंस का जो बिजनेस है वो भी डाइवर्सिफाई
सर्टिफाइड है और उसके प्रोडक्ट को भी आप जानते हैं कई सारे प्रोडक्ट को, तो वैसे ही कंपनियों के शेयर आपको बाय करना है जिसके प्रोडक्ट को आप जानते हैं। तो जब आप स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे धीरे धीरे आप बहुत सारे बिजनेस को जानने लगेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स जो है कंपनियों के उसके बारे में जानने लगेंगे। तो शुरुआत में आपको वही कंपनियाँ बाय करनी चाहिए जिसके प्रोडक्ट को जानते हैं, जैसे डाबर के भी प्रोडक्ट को जानते हैं, डाबर का जो ग्लूकोज होता है उसे जानते हैं, डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, डाबर च्यवनप्राश, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं डाबर के जिसे आप जानते हैं। फिर बाटा को जानते हैं, बाटा का जो प्रोडक्ट है, तो आपको उसी शेयर को खरीदना चाहिए जिसके प्रोडक्ट को आप जान रहे हैं। उसके बाद हेबल्स है, हेबल्स का जो आप इलेक्ट्रिसिटी में जो बोर्ड यूज करते हैं आप, वो बोर्ड जो होता है बहुत सारे हेबल्स के होते हैं प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो होते हैं, तो इस तरह के जो कंपनी आप जानते हैं उसके शेयर आपको बाय करने हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, नेवर बाय स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग बिकॉज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमारे कई सारे वीडियो होंगे जिसमें आपको दिखाते हैं कि 10 साल के इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिला 10,000 रुपया करोड़ों में कन्वर्ट हो गया, 20 साल में कन्वर्ट हो गया करोड़ों में। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे चैनल पर वीडियो है जिसमें हम आपको लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ होता है, लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न मिलता है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर भी आपको कह रहे हैं कि कभी भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए अलग अकाउंट, लॉन्ग टर्म के लिए अलग अकाउंट, मतलब दोनों पोर्टफोलियो आपको अलग अलग बनाना है, तब आप देखिएगा कि मैजिक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मैजिक है और जो शॉर्ट टर्म का आपका प्रॉफिट मेकिंग है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म का पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं कोई भी ट्रेडिंग, उसके लिए अलग डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अलग। तो ऐसे न्यू है तो आपको हम सलाह देंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट ना करें। तो वैसे कंपनी का शेयर बाय करना है जिसका बिजनेस आगे 10 साल तक बना रहे मार्केट में, मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लीड करे अगले 10 साल तक, मतलब प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए जैसे बुलेट बाइक। बुलेट बाइक क्या देख रहे हैं, उसको कोई टक्कर देने वाला नहीं है अभी, तो उसके कंपनियां जो है, जो ऐसे मोटर है काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे ही स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है जिसका प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि फिलहाल जो है अभी कुछ ही समय में उसके प्रोडक्ट को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। फिर अगला पॉइंट है हमारा, यू शुड नेवर इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर मनी इन ए सिंगल अकाउंट। कभी भी आपको सारा का सारा पैसा एक ही सिंगल अकाउंट, मतलब स्टॉक्स जो है एक ही शेयर में नहीं लगाना है। आपको लगाना ही है तो उस अमाउंट को आपको 5 भाग में डिवाइड कर दीजिए और 5 स्टॉक्स में लगाइए, और 5ों स्टॉक जो होना चाहिए अलग अलग सेक्टर से होनी चाहिए। अगर कोई FMCG सेक्टर से है तो दूसरा फार्मा सेक्टर से होना चाहिए, फार्मा से है तो तीसरा जो आपको, जैसे हमारा जियो का है तो जियो में रिलायंस में कर देंगे, तो रिलायंस का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, आपके कई सारे बिजनेस में एक साथ उसमें इन्वेस्ट हो गया। उसी प्रकार आपको फिर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है उसमें कर देना है, तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्टॉक चुनना है, फिर फाइनेंस सेक्टर में कर देंगे, बैंकिंग सेक्टर में कर देंगे, तो अलग अलग से 5 स्टॉक्स चुनेंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप 10 स्टॉक 20 स्टॉक चुनेंगे, मतलब जितना बड़ा अमाउंट, जैसे 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 10 स्टॉक चूज करेंगे, अगर आपका 5 लाख का है तो 5 स्टॉक चूज कीजिए कम से कम, 1 लाख का है तो भी आपको 5 चूज करना है, 5 लाख है तो 5 से 10 स्टॉक आप चूज कर सकते हैं। तो अपना जो अमाउंट है उसके अनुसार आपको कम से कम तो 5 चुनना ही, आप 50,000 भी करते हैं तो 5 स्टॉक चुनना है, 10-10,000 आपको हर स्टॉक्स में लगानी है। 5 लाख है तो भी आपको 5 से 10 स्टॉक चुनना है, आपको 80,000 से 1 लाख रुपये एक स्टॉक में लगाना है, फिर अलग अलग स्टॉक में। तो इस तरह का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए कि सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें और एक ही सेक्टर के स्टॉक में ना करें, मतलब हर स्टॉक भी अलग अलग सेक्टर से होनी चाहिए, ताकि एक स्टॉक जो, मतलब एक सेक्टर जो है हमारा अंडर परफॉर्म हो तो दूसरा परफॉर्म करे। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है, यू शुड इन्वेस्ट 60% ऑफ योर अमाउंट इन कैश रिच ब्लू चिप कंपनी। जो ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक से उसमें 60% अपना अमाउंट इन्वेस्ट करें, जैसे 1 लाख रुपये का आपका पोर्टफोलियो है तो 60,000 आपको ब्लू चिप कंपनियों में लगानी चाहिए। फिर जो 30% आपको वो मिड कैप स्टॉक्स में लगानी चाहिए, 10% स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो इस तरह का रेशियो होना चाहिए, आप चाहे तो रेशियो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं कि यहाँ 50% दिए ब्लू चिप में, 30% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में, या यहाँ पर 20 की जगह 50% दे दिए स्मॉल कैप में और 5% दे दिए माइक्रो कैप कंपनी में। तो इस तरह का पोर्टफोलियो आपका अरेंजमेंट होना चाहिए।
जैसे ब्लू चिप है तो 60% दे दिए उसमें, फिर 30% दे दिए हम मिड कैप स्टॉक्स में, 10% स्मॉल कैप में। तो अपना ये रेशियो 50% भी कर सकते हैं ब्लू चिप में और 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप, या यहाँ पर 20% जो है 15% स्मॉल कैप और 5% माइक्रो कैप कंपनी। तो इस तरह का आपका पोर्टफोलियो जो होना चाहिए डाइवर्सिफाई होना चाहिए। कभी जो है स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करता है तो आपको स्मॉल कैप से रिटर्न मिलेगा, ब्लू चिप कंपनी आपका हमेशा थोड़े थोड़े परफॉर्म करते रहेंगे आपको, और उसके बाद मिड कैप परफॉर्म करेगा तो मिड कैप से आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई होना चाहिए सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज, उसके बाद फिर जो लार्ज कैप स्मॉल कैप है ब्लू चिप कंपनी है उसके अनुसार। तो हर टाइप के अनुसार आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए ताकि समय के साथ आपका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए परफॉर्म करना चाहिए बेंचमार्क को, मतलब अल्फा जनरेट करे आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो रिटर्न मिले वो अल्फा जनरेटर हो, मतलब जो बेंचमार्क है आपका उसको बीट करे। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ग्रोथ पे ध्यान देना है, कंपनी आगे 10 साल तक कम से कम ग्रो हो, उसका प्रोडक्ट में इतना दम हो, प्रोडक्ट जो मार्केट में वैल्यू क्रिएट करता हो, मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करता हो। तो इसके साथ साथ आपको वैसे भी स्टॉक्स रखने हैं जो कि डिविडेंड पे करती है, जैसे HUL डिविडेंड पे करती है, अच्छी कंपनी है, डिविडेंड भी पे करती है, साथ साथ ग्रोथ भी है, मार्केट में उसके प्रोडक्ट के जो है काफ़ी मोनोपोली भी है। तो also keep some dividend paying stocks in your portfolio, generate passive income, ताकि उससे आपको लगातार कुछ ना कुछ इनकम होता जा रहे डिविडेंड के रूप में। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगला है जो this strategy of making your portfolio can help you become करोड़पति इन फ्यूचर विथ फ्यू थाउजेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इस तरह का स्ट्रेटेजी अगर आप बना लेते हैं तो कुछ ही सालों में आप अपने कुछ ही हज़ार रुपये से करोड़पति भी बन सकते हैं। लेकिन इसमें ये निर्भर करता है आप कौन सा स्टॉक चूज करते हैं, कैसा स्टॉक चूज करते हैं, क्या वो स्टॉक्स आपका अल्फा जनरेट करता है, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है वो 30% पर एनम 40% पर एनम जनरेट करके देता है या नहीं। तो मतलब जो आप 10 स्टॉक पिक किए उसमें से अगर आपका 3-4 स्टॉक भी अल्फा जनरेट करता है, मतलब एक अच्छा खासा 30% का कम से कम एनुअल रिटर्न देता है, तो आपका जो कुछ थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट है वो निश्चित है कि लॉन्ग टर्म में आपको करोड़ों का रिटर्न देगा। तो ये एक था इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं जो स्टॉक्स है उसको डिस्कस करते हैं किस सेक्टर के किस तरह के स्टॉक्स आप बाय करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट स्टॉक क्या क्या है, ब्लू चिप स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होने चाहिए उसमें से एक है रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री अपने इन्वेस्टर को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, देख सकते हैं यहां से। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये देख सकते हैं यहां से 3272% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को ये दे चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जैसे ये थोड़ा सा करेक्शन पे मिलता है 1500 के आसपास, तो आप इसमें इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा टाइटन, आप टाइटन को ऐड कर सकते हैं। जो हमारा रिलायंस है उसका तो बिजनेस बताया ही काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। उसके बाद टाइटन ज्वेलरी बिजनेस है इसका, वॉचेज का जो घड़ी होता है उसका बिजनेस है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। ये भी देखते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, 26,000% का रिटर्न, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। इसका जो अभी लेवल है करेंट लेवल काफ़ी बेहतरीन लेवल पे आपको मिल रहा है। उसके बाद आईटी सेक्टर से इन्फोसिस, TCS किसी को भी आप ऐड कर सकते हैं, विप्रो जो भी अच्छा लगे। मुझे इन्फोसिस ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इन्फोसिस को बाय कर सकते हैं। इसका भी प्राइस का लेवल जो है 700 के आसपास काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इसके आसपास इसको ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपका पोर्टफोलियो 1,00,000 का है तो आप इसमें जो है जैसे 20-30 क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर 5,00,000 का है तो आप इसमें जितना चाहे उतना क्वांटिटी अपने आवश्यकता अनुसार, मतलब जिससे कि आपका हर सेक्टर में डाइवर्सिफाई हो जाए पोर्टफोलियो, उसके अनुसार आप ऐड कर सकते हैं अपना। उसके बाद अगला है भारती एयरटेल लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं इसका 500 के आसपास का लेवल मिलता है तो काफ़ी बेहतरीन होगा, तो आप उसके आसपास इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा है बजाज फाइनेंस, जो NBFC सेक्टर है, तो उसके उस सेक्टर से जो फाइनेंस सेक्टर है उससे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC, इन सब स्टॉक्स में से किसी को भी आप ऐड कर सकते हैं। इसका अभी लेवल जो देखते हैं 2000 के आसपास का लेवल काफ़ी बेहतरीन लेवल है, उसके आसपास इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला है आरती इंडस्ट्रीज, ये भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से और फार्मा सेक्टर दोनों में इसका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को,
46,000% का रिटर्न। तो समझ सकते हैं ऐसे ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स आपको इसमें बता रहे हैं कि आप इन सब स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आपका जितना बड़ा अमाउंट है पोर्टफोलियो का उसके अनुसार आपको डाइवर्सिफाई कर देना है, मतलब उसको डिवाइड कर देना है और हर सेक्टर में जो कुछ स्टॉक्स इसमें से चुन लेना है। उसके बाद लुपिन फार्मा सेक्टर से देख लें, काफ़ी बेहतरीन सन फार्मा भी है, सिप्ला भी है, उसी तरह से आपको बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक्स है फार्मा सेक्टर से भी, उसमें से कुछ चूज कर लेना है एक दो स्टॉक्स। तो देख लें ये भी 38,000% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। उसके बाद अगला है HDFC बैंक, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर से तो प्राइवेट सेक्टर का ये लीडिंग बैंक है, इसको आप चुन सकते हैं। लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो देख सकते हैं 19,000% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। उसके बाद अगला है हमारा पीडीलाइट, फेविकॉल आप यूज़ करते होंगे, फेविकॉल इसी का प्रोडक्ट है पीडीलाइट का, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो पीडीलाइट इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए 22,000% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से। उसके बाद फ्रिज आता है, रेफ्रिजरेटर आता है, तो इस सेक्टर से अगर आप चुनना चाहते हैं तो देखते हैं वायरल पूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। इसका भी चार्ट देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट कितना बेहतरीन है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो अलग अलग सेक्टर से हम स्टॉक्स बताते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जिसका एनालिसिस हम अपने चैनल पर करते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप कैसे पोर्टफोलियो तैयार करेंगे और कितने स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो आपको अपने मनी को 5 से 10 भाग में डिवाइड करना है और अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।